दोस्तों, हार जीत तो जिंदगी का पार्ट है। हार से कभी डरोगे तो जीत कभी जिंदगी में हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसे एक लड़ाकू इंसान की रियल लाइफ कहानी के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कहानी पूरा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बन के आज वो उस व्यक्ति के तरफ देखने का नजरिया ही पूरा दुनिया का बदल चुका है। हम हमेशा हार से डर जाते हैं, लेकिन ये एक रियल लाइफ स्टोरी ऐसा है, हार से पूरा दुनिया के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन के वो व्यक्ति आज दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़ा है। ऐसा ये ट्रू लाइफ स्टोरी का पूरा डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, स्वागत है आप सबको सेव लाइफ चैनल में। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये ट्रू स्टोरी तब बन रहा था जो 1968 मैक्सिकन ओलंपिक्स के दौरान। मैक्सिकन ओलंपिक्स में मैराथन पार्टिसिपेशन के लिए दुनिया भर की देशों से 75 पार्टिसिपेट इकट्ठा हो रहे थे, तो वो 75 पार्टिसिपेशन के साथ में मैराथन की शुरुआत हुआ था। शुरुआत होने के बाद में कुछ ही देर में जो विनर को अनाउंस किया गया है, क्योंकि मैराथन फिनिशिंग लाइन में पहुंच गया, तो विनर बन गया था इथियोपिया वाला मैमो ओल्डे नाम का एक व्यक्ति। तो वो विनर बन गया। तो विनर बनने के बाद में उसको प्राइज दिया गया। प्राइज देने के बाद में सभी जो लोग मैराथन देखने के लिए आए थे, वो सभी लोग प्राइज देने का कार्यक्रम खत्म होने के बाद में अपने अपने जगह से उठ के बार के तरफ निकल रहे थे। उसी दौरान एक माइक से अनाउंसमेंट सुनने को मिला था, इसी मैराथन का एक और पार्टिसिपेंट अपना मैराथन फिनिश करने के लिए वापस मैदान में आ रहे हैं और उनका 800 मीटर का मैराथन अभी बाकी है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी पब्लिक वापस अपना जगह पे आके बैठना चालू किया और वो एक्साइटमेंट के साथ में जो अभी जो बैलेंस मैराथन फिनिश करने के लिए आने वाला व्यक्ति को वो मोटिवेट करते हुए ताली बजाते हुए उनको एनकरेज करना चालू किया। तो वहां पे एक व्यक्ति अपना मैराथन को फिनिश करने के लिए आ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति का राइट लेग में पूरा कपड़े से बांधा हुआ था, उसका लेग से अलग अलग जगह से खून बह रहे थे, उसको मार लगा हुआ था। उसके बावजूद भी वो मैराथन को फिनिश करने के लिए लंगड़ाते हुए दौड़ दौड़ के आ रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको एनकरेज करते हुए ताली बजाते हुए धीरे धीरे उन्होंने उनका मैराथन को फिनिश किया। लेकिन ये जो फिनिश लाइन में ये व्यक्ति जब आया था, जो विनर से एक घंटा लेट में उन्होंने फिनिश किया, लेकिन ओलंपिक्स का इतिहास में सबसे पुअर फिनिशिंग इस व्यक्ति का फिनिशिंग को माना जाता है। लेकिन ये ओलंपिक्स मैराथन का विनर इथियोपियन वाला मैमो ओल्डे से ज्यादा आज दुनिया याद रखने वाला वो नाम था जो लास्ट में फिनिश किया हुआ तांजानिया वाला जॉन स्टीवन अक्वारी का नाम। ये नाम लोग क्यों याद रख रहे, उन्होंने ऐसा क्या किया है, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। उसका कारण है, ये मैराथन की शुरुआत 75 लोगों के साथ में हुआ था। शुरुआत होने के बाद में थोड़ी देर के बाद जो मैराथन का बीच में से 15 लोग मैराथन को छोड़ के चला गया और उसमें से जो बाकी लोगों ने अलग अलग टाइम पे फिनिश किया है, तो उसी दौरान एक चीज हमें सीखने को मिलता है, जीवन में आने वाले समस्या और प्रॉब्लम्स तोड़ के भागने के लिए नहीं होना चाहिए और उसका सामना करने की तैयारी रखना पड़ेगा। तो सामना करने की तैयारी जॉन स्टीवन अक्वारी ने किया, इसलिए वो पूरा दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना और दुनिया आज भी वो व्यक्ति मैराथन में भले हार गया, फिर भी वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन के आज भी वो दुनिया जॉन स्टीवन अक्वारी को याद कर रही है। मैराथन कंप्लीट होने के बाद में फिनिशिंग लाइन में आके इतना तकलीफ में जब वो व्यक्ति खड़ा था, तो खड़ा होने के टाइम में पूरा
पत्रकार उसके सामने आके तो उनको सवाल किया था, आप इतने तकलीफ में भी आपके मैराथन को फिनिश करने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्या कारण था? तो आपको इतने मार लगा हुआ था, पैरों से खून बह रहे थे, उसके बावजूद भी आप फिनिश लाइन तक फिनिश करने के लिए तैयार हो गए थे। पत्रकारों का सवाल के ऊपर जॉन स्टीवन अक्वारी का जवाब कुछ इस प्रकार से था, मेरे देश 5000 माइल दूर से मुझे मैराथन की शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था, तो शुरुआत किया हुआ मैराथन को फिनिश करने के लिए मेरे देश ने मुझे भेजा था, इसलिए मैंने वो मैराथन को फिनिश करने की तैयारी रखा था। माई कंट्री डिडंट सेंड मी 5000 माइल्स अवे टू स्टार्ट द रेस बट टू फिनिश द रेस। तो इस व्यक्ति का ये रियल लाइफ कहानी हमें देखने के बाद में, समझने के बाद में, सुनने के बाद में, हमारे सबका लाइफ में ये कहानी एक बेहतरीन मोटिवेशन का एक कारण बन सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में भी हमेशा छोटे मोटे जब अड़चन आते हैं तो हम उस चीज को छोड़ के वो भाग जाते हैं, उसको खत्म करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ाई आपको जीतना चाहिए। आप मैदान छोड़ के जब भागेंगे तो कभी भी कोई भी लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। जिंदगी में हर कोई चीज एक खेल जैसा है, एक लड़ाई जैसा है। आप जीतना चाहते हो तो आपको लड़ाई को फिनिश करने की तैयारी रखना पड़ेगा। छोटे मोटे अड़चन हर एक का जीवन में आते हैं, हार या जीत जिंदगी का पार्ट होता है। तो वो इंसान ने जो अपना फिनिशिंग लाइन को फिनिश करके दुनिया को करके दिखाया है, आपका जीवन में कितना भी कठिनाई आइए, कितना भी संकट आए, लेकिन आपका हाथ में दिया हुआ काम को आप खत्म करेंगे, भले कितना भी स्लोली आप खत्म करें, तो आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा सकता है। उस प्रकार से आप लाइफ का सफलता के लिए कितना भी स्लोली मूव करो, लेकिन आपका परिवार में आप ऐसे पहले इंसान बन सकते हैं जो सक्सेस का सीढ़ियों को चुनने वाला। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम का सामना करने की तैयारी रखना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम से डरेंगे तो कभी लाइफ में सफलता मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम से लड़ने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। तो वही तैयारी के लिए ये रियल लाइफ स्टोरी जॉन स्टीवन अक्वारी का जो जीवन का स्टोरी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और देने के कारण बनता है। तो इसलिए इस स्टोरी को याद करते हुए हर एक काम को प्रॉपर तरीके से फिनिश करने की तैयारी अगर हम सभी लोग रखेंगे तो हम भी हमारा लाइफ में दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, अपना लाइफ का सफल इंसान हम बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।